हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक 2019 को। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे वैज्ञानिक परिदृश्य में अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी को देख चुके हैं हम लोग। अभी तक बात करने वाले हैं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां 2019 में जो हुई हैं। याद रखिए, जितने भी लेक्चर बन रहे हुए हैं और बन चुके हैं, वो सभी आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सूची में समसामयिक घटना चक्र 2019 के नाम से सूची बनी हुई है, ठीक है, उसी में डले हुए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है। यह इस वार्षिक रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वाधान में केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने तैयार की है। यह रिपोर्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त, मानव संसाधन, स्वास्थ्य अवसंरचना जैसे प्रमुख निगरानी योग्य संकेतकों पर ठोस स्वास्थ्य सूचना प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में प्रदत्त सूचनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति निर्माण, कार्यान्वयन, शासन और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1970 से 75 की अवधि में 49.7 वर्ष थी, जो वर्ष 2012 से 16 में बढ़कर 68.7 वर्ष हो गई है। वर्ष 2016 से 12 से 16 के दौरान पुरुषों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.4 वर्ष, महिलाओं में 70.2 वर्ष दर्ज की गई है। वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में भारत में कुल प्रजनन दर 2.3 दर्ज की गई है। भारत में वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 20.2 एवं 6.3 दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर 25.9 दर्ज की गई है और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर 6.7 दर्ज की गई है। भारत में वर्ष 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर 33 दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर 41 दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में मलेरिया के संक्रमण एवं उसके चलते मृत्यु के सर्वाधिक मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए हैं। भारत में काला आजार नामक रोग का कारक लीसमीनिया डोनोवानी नामक परजीवी है। भारत में काला आजार के सर्वाधिक मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। भारत में इंसेफलाइटिस के संक्रमण और उसके चलते मृत्यु में सर्वाधिक मामले असम में दर्ज किए गए हैं। 15-16 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च 1.2% है। बात करते हैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 11 सितंबर 2019 को मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में पशुधन को प्रभावित करने वाले फुट एंड माउथ रोग, खुरपका, मुहपका रोग, ब्रोसिलोसिस का नियंत्रण एवं उनका उन्मूलन करना है। यह कार्यक्रम पशुओं में टीकाकरण के माध्यम से वर्ष 2025 तक फुट एंड माउथ रोग एवं ब्रोसिलोसिस को नियंत्रित करने और अंततः वर्ष 2030 तक उनका उन्मूलन करने हेतु लक्षित है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसका वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक कुल परिव्यय 12,652 करोड़ रुपए निर्धारित है। फुट एंड माउथ रोग प्रभावित खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि में होने वाले अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग हैं। पिकोर ना वृद्धि
परिवार का एथोवायरस नामक जीवाणु इस रोग का कारक है। इस रोग के कारण दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में तेजी से कमी आती है। ब्रोसिलोसिस एक संक्रामक रोग है जो ब्रोसेलिया ब्रोसेला नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। इसे भूमध्य सागरीय ज्वार या माल्टा ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रिया मवेशी भेड़ बकरी सुअर घोड़े तथा कुत्ते इस रोग से प्रभावित होते हैं। इस रोग के कारण फ्रिया पशुओं में जनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी शुरुआत की है। आगे बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन हेतु E-2020 पहल। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप के 4 देशों और एक लेटिन अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में वर्ष 2018 में मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। एशिया महाद्वीप के 4 देश चीन ईरान मलेशिया तिमोर लेस्ते हैं। यह रिपोर्ट मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्राप्त हुई सफलता के को संदर्भित करती है। मोरक्को 2010 मॉरिशस वर्ष 1973 के बाद मई 2019 में आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया जाने वाला अल्जीरिया तीसरा अफ्रीकी देश है। भारत विश्व के उन ग्यारह देशों में शामिल है जहां पर वैश्विक मलेरिया के कुल मामलों में से 70% मामले पाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य 10 देश बुर्किना फासो कैमरून डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो घना माली मोजाम्बिक नाइजर नाइजीरिया युगांडा और तंजानिया है। मई 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा मलेरिया हेतु एक नई वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 30 प्रस्तुत की गई थी। इस 15 वर्षीय अवधि के दौरान विश्व में मलेरिया के मामले में तेजी से कमी लाने हेतु महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तहत वर्ष 2020 तक उन 10 देशों से मलेरिया का उन्मूलन किया जाना है जहां पर वर्ष 2015 में इसके मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2016 में प्रकाशित WHO के एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2020 तक मलेरिया का उन्मूलन करने में सक्षम देशों की संख्या 21 आंकी गई है। मलेरिया का उन्मूलन करने में सक्षम 21 देश एक संयुक्त का पहल का हिस्सा है जिसे E-2020 पहल नाम दिया गया है। E-2020 पहल में निम्न 21 देश शामिल हैं: अल्जीरिया बेलीज बोत्सवाना काबो वेर्दे भूटान कोस्टारिका कोमोरोस चीन इक्वाडोर ईस्वातनी अल अल्वाडोर ईरान नेपाल पराग्वे मलेशिया कोरिया गणराज्य सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका सुरीनाम मैक्सिको तिमोर लेस्ते। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कांगो में इबोला का प्रकोप। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला रोग के फैलने के मामले लगातार सामने आने के बाद 17 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2018 से ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इबोला रोग की चपेट में है। 1 अगस्त 2018 को कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के नॉर्थ क्यू प्रांत में इबोला वायरस के रोग के प्रकोप की घोषणा की थी। वर्ष 1976 में इबोला वायरस की खोज करने के बाद यह 10वां अवसर है जब कांगो इबोला रोग की चपेट में है। उल्लेखनीय है कि इबोला नामक इबोला नदी से व्युत्पन्न है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका खसरा मुक्त घोषित हुआ है। 9 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित कर दिया है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा का उन्मूलन करने वाला श्रीलंका 5वां देश है।
श्रीलंका से पूर्व इस क्षेत्र में स्थित से भूटान, मालदीप, उत्तर कोरिया, तेमोर लेस्ते खसरा मुक्त देश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उल्लेखनीय है, किसी देश को खतरा मुक्त तब घोषित किया जाता है जब वह देश लगातार 3 वर्षों तक स्वदेशी खसरा विषाणु के प्रसार की रोकथाम में सफल रहता है। श्रीलंका में स्वदेशी खसरा विषाणु के संक्रमण का अंतिम मामला मई 2016 में दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2020 तक देश से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग केरल में नीपाह विषाणु के बारे में, वायरस के में नीपा है। जून 2019 के प्रथम सप्ताह में केरल के एर्नाकुलम जिले में नीपाह वायरस रोग के एक मामले की पुष्टि की गई। इससे पूर्व वर्ष 2018 में केरल में नीपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इनमें से 14 मौतें अकेली कोचीकोड में तथा शेष 3 मौतें मल्लपुरम जिले में हुई थी। हालांकि प्रथम अवसर नहीं था जब देश में नीपाह वायरस के मामले प्रकाश में आए हैं। दरअसल सर्वप्रथम वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नीपाह वायरस के मामले दर्ज किए गए थे। उस समय 66 लोग इस वायरस से प्रभावित हुए थे जिनमें से 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अप्रैल 2007 में नादिया पश्चिम बंगाल में नीपाह वायरस संक्रमण देखने को मिला था जिसमें 5 लोग प्रभावित हुए थे और सभी की मृत्यु हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार नीपा वायरस एक जोनोटिक वायरस है, अर्थात ऐसा वायरस जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचालित होता है। हालांकि इस विषाणु का प्रसार संदूषित खाद्य के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के मध्य भी संभव है। यह एक RNA वायरस है, टेरोपोडिडे परिवार के फलभक्षी चमगादड़ नीपा वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं। नीपा वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1998 में मलेशिया के कनपुंग सुंगई नीपा क्षेत्र में हुई थी जहां इस विषाणु का प्रकोप देखने को मिला था। इस क्षेत्र के नाम पर ही इसे नीपाह वायरस नाम दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग मंकी पॉक्स वायरस का कहर। 9 मई 2019 को सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर देश में मंकी पॉक्स संक्रमण के प्रथम मामले की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष की 8 मई 2019 को परीक्षणों के उपरांत सिंगापुर में एक नाइजीरियाई व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह नाइजीरियाई व्यक्ति सिंगापुर पहुंचने से पूर्व नाइजीरिया में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। इस वैवाहिक कार्यक्रम में उसने बुश मीट खाया था जो वायरस संक्रमण का स्रोत हो सकता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ विषाणु जनित रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इस रोग के मामले मुख्य रूप से मध्य पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां मनुष्यों का संक्रमित जानवरों के साथ अक्सर संपर्क होता रहता है। वर्ष 1958 में सर्वप्रथम बंदरों में इस रोग के लक्षण पाए जाने के कारण इसे मंकी पॉक्स रोग कहा गया। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडे परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस समूह से संबंधित है। वर्ष 1970 में पहली बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किसी मानव में इस रोग का मामला देखने को मिला था। बात करते हैं विश्व में मलेरिया का पहला टीका 23 अप्रैल 2019 को मलावी में विश्व में मलेरिया के पहले टीके को लॉन्च किया है। RTS मॉस्की ओरेक्स नामक यह टीका बच्चों को मलेरिया के विरुद्ध आंशिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम पाया गया। मलावी विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपने नियमित पितिरक्षण कार्यक्रम में इस टीके को प्रायोगिक आधार पर शामिल किया है।
यह टीका एक वैश्विक प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत जारी किया गया। यह प्रायोगिक कार्यक्रम घाना, केन्या एवं मलावी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मध्य सहयोग का परिणाम है। इस कार्यक्रम में WHO अंतर्राष्ट्रीय गैर सर लाभकारी संगठन पथ, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, गेवी, द वैक्सीन अलायंस, एड्स, तपेदिक एवं मलेरिया से निपटने हेतु वैश्विक कोष और यूनिटेड भी सहयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मलावी के बाद अफ्रीका के एक अन्य देश घाना में भी 30 अप्रैल 2019 को मलेरिया के इस टीके को लॉन्च किया गया है। एक अन्य अफ्रीकी देश केन्या में भी मलेरिया के इस टीके को 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उपलब्ध कराया जाना है। मलेरिया का यह टीका विश्व में मलेरिया के सबसे घातक परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के विरुद्ध प्रभावी है। मलेरिया के इस टीके का विकास ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा 30 वर्षों की अवधि में किया गया है। मलेरिया रोग के कारण विश्व में प्रति वर्ष 4,35,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के बारे में। ठीक है, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान देखेंगे हम लोग।